दोघे नागमनी व्यवहारासाठी आले आणि फसवणुकीसह चोरीच्या गुन्ह्यात अडकले. मुक्ताईनगर शहरातील प्रवर्तन चौकात दोघे परप्रांतीय उभे असताना अचानक एक पोलीस हवालदार दोघांजवळ आला. दुचाकीवर बसण्याचे सांगताच त्या दोघांनी तेथून एकच धूम ठोकली. सदरील पोलीस हवालदार ही त्यांच्या मागोमाग पाठलाग करू लागला. हा सर्व प्रकार पाहून चौकातील लोक अचंबित झाले. पोलीस मागावर असल्याने दोघांनी नगरपंचायत कार्यालयासमोरील एका घराचा लपण्यासाठी आसरा घेतला. त्या घराच्या जवळ असलेल्या पत्री शेडवर पुढील जीव वाचवण्यासाठी त्यांनी उडी घेतली असता जीर्ण झालेले पत्री शेड कोसळले व दोघांनी यातून स्वतःला सावरत थेट जिन्यातून घरात प्रवेश केला. यामुळे घरातील महिला व पुरुष अचानक आलेल्या अनोळखी दोघांना पाहून घाबरून गेले व त्यांनी आरडाओरड केली असता शेजारील नागरिक व महिला गोळा झाल्या. त्यांनी दोघांना पकडले असता मागावर असलेला पोलीस हवालदार तेथे येऊन ठेपला व त्या दोघांना सोडून द्या असे सांगू लागला. नागरिकांनी हे आमच्या घरात चोरी करण्यास घुसताय आणि तुम्ही यांना सोडून देण्याचे सांगताय, यामुळे संताप करत नाराजी व्यक्त केली व संतप्त नागरिकांनी त्या दोघांना आधी अटक करा असा पवित्रा घेतला असता सदरील हवालदार याने लागलीच मोबाईल काढून नागरिकांची व्हिडिओ शूटिंग करून या दोघांना मारहाण केल्याचा गुन्हा दाखल करतो असे धमकवू लागला व त्या दोघांना तेथून सुखरूप काढण्याचा प्रयत्न करू लागला. परंतु नागरिकांनी त्या दोघांना सरळ पोलीस स्टेशनला आणले असता तेथे प्रफुल्ल कुमार मांगीलाल जैन वय 45 राहणार मुक्ताईनगर यांच्या फिर्यादीवरून त्यांच्या घरात अनधिकृतरित्या शिरकाव केलेल्या त्या दोघांपैकी मोहम्मद अफजल अली, मोहम्मद अतार अली व रकीब अली नौशाद अली दोन्ही राहणार रंगिया जिल्हा कामरूप राज्य आसाम यांच्या विरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे व त्या दोघांना अटक करण्यात आलेली आहे. दरम्यान पत्रकारांनी पोलीस स्टेशनला अटक असलेल्या दोघांशी संवाद साधला असता नागमनी खरेदीसाठी ते इकडे आल्याचे त्यांनी सांगितले व त्यांनी आधी मलकापूर येथे रेल्वेने उतरून त्या व्यवहारासाठी इथे मुक्ताईनगर चौकात त्यांना एक जण भेटणार होता व येथून 60 ते 70 किमी लांब ठिकाणी असलेल्या गावी नेऊन तेथे नागमनी देणार होता अशी माहिती दिली. परंतु या अनोळखी लोकांजवळ येऊन दुचाकीवर बसण्याची धमकी देणारा नंतर पाठलाग करणारा तसेच नागरिकांनी चोर समजून पकडताच नागरिकांचा व्हिडिओ शूटिंग करून नागरिकांवर त्या दोघांना सोडण्यासाठी दबाव टाकणारा तो पोलीस हवालदार कोण, या नागमनी व्यवहाराशी त्याचा काय संबंध, तसेच नागरिकांना व्हिडिओ शूटिंग करून दोघांना बदडल्याचा गुन्हा दाखल करतो अशी धमकी देण्यामागचा त्याचा काय हेतू होता अशी चर्चा रंगली असून पोलीस प्रशासनातर्फे त्या हवालदाराची व या नागमनी व्यवहाराची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी होत आहे. पहा त्या दोघांनी पत्रकारांना दिलेली सविस्तर माहिती. आसाम नागमनी के कितने पैसे दिए आपने? 31,000 लिए. किसने लिए? एक आदमी लिया था सर. यहाँ का है? यहाँ का है, बोल रहा था सर, अभी फोन किया था, बोल रहा है यहाँ से 60-70 किलोमीटर बोल के बोल रहा है. 60-70 किलोमीटर. पैसा कहाँ दिया तुमने? नाम तो नहीं मालूम सर. पैसा कहाँ दिया? पैसा कहाँ पर उतरा? बस स्टॉप में उतरा था. बस स्टॉप से फिर ऑटो में लेके गया. कौन से बस से है कि गाड़ी से है? ऑटो में लेके गया. बाइक में आया था सर. बाइक में कहाँ से? भूसाल से. कहाँ से है कि नहीं मालूम सर. आप रेलवे से आए हो? तुम आसाम से कि कहाँ से है? हम लोग रेलवे स्टेशन से आए हैं. कहाँ पे उतरे? नाम
मलकापुर उतरे रेलवे स्टेशन पे, फिर वहाँ पे उनकी गाड़ी थी क्या लेने के लिए आपको? ऑटो में आया था सर, वो ऑटो किसका कि नहीं मालूम, एक ऑटो पकड़ के आया था। मैं ऑटो उनका था कि क्या? उनका नहीं हुआ, हम पकड़ के आया था। ऑटो पकड़ के तुम यहाँ पे आए? हाँ, यहाँ तक बुलाया। हाँ, फिर यहाँ से दूसरा ऑटो पकड़ के लेके गया। ये पुलिस कैसे क्या पीछे लगा था तुम्हें? पुलिस पुलिस क्या है कि नहीं मालूम सर, तुमने फिर हम लोग का पीछे एक आदमी आया बाइक लेके, बोले बैठो बोले, उनको बोला था बाइक में। फिर हम लोग डर गए, हमने कि कहाँ लेके जाता बोल के, फिर हम लोग भागने लगा था, जब गली देखा था गली में फिर भाग गया, भागने गया तो पब्लिक आई, गली में पकड़ लिया, पकड़ के मारा, बोले कर में घुसा बोल। उन्होंने क्या बोला आपको, क्या लेने के लिए बोला है? उस मैजिक की कहने का कुछ सामान लेने के लिए बोला था सर। इसके पहले आए थे आप? नहीं सर। फिर संभाषण कैसा हुआ आपका? फोन में मिला था सर। कहाँ पे देखा आपने? यूट्यूब पे देखा? कहाँ पे देखा? यूट्यूब पे देखा, वहाँ पे उनका नंबर था, होगा फिर आपने उनको फोन किया? हाँ। कितने रुपये का बोला उन्होंने आपने? 40,000 क्या? 40,000 40,000 तुम तो बोले 31 लाख रुपये लिए। 31 लाख? हज़ार 31,000। तुम क्या करते, काम क्या करते? घर में काम करता। हाँ, जो पुलिस बोल रहे हैं ये आपको मोटरसाइकिल पे बिठा रहा था, तो ये इसको कैसे क्या मालूम कि आप यहाँ पे आए? नहीं मालूम सर, उन कहाँ से, हमको भी नहीं पता। तो ये डायरेक्ट आया और बाइक पे बैठाने का बोला? बाइक पे बैठाने की कोशिश कर रहा था। फिर हम लोग डर गए, फोन आदमी क्या है कि फिर डर गया था, फिर भागा। ये लोगों के घर में आप गिरे? हाँ। तो वही पुलिस आया था क्या आपके पास? हाँ, उन्होंने था उस टाइम, वही भी आया था। हाँ। और आपको छोड़ने का बोल रहा था? छोड़ने का भी, बाद में पुलिस का गाड़ी आया था, फिर उठा बिठा के लाके हम लोग हंसते लगे गए। आप क्या करते थे, काम क्या करते? ये नॉर्थ ईस्ट गाड़ी चलाता है, ट्रक गाड़ी चलाता है, टेम्पो चलाता है। टेम्पो कितने दिन से आप वो चक्कर में? तो ये थोड़ा दिन पहले फोन मिला था और बुलाया आजा बोल के। कितने दिन से कांटेक्ट चल रहा है हम इधर आने का? कितने रुपये लाए साथ में? कितने रुपये लाए? हम 2,000 आए थे। कितने रुपए लाए साथ में? पैसा ज़्यादा नहीं था सर, 30-40 का अंदर कुछ था सर। 30-40? हाँ। पैसा भी लेके गया? हाँ, सब लेके गया, अभी थोड़ा 7-8 हज़ार है सर। पैसा कौन ले गया है? जो मोटरसाइकिल में बिठाने वाला है दूसरा? सामान लेता हूँ, लेता हूँ, उन्होंने ले लिया सर। कब लिया पैसा? आज ही लिया सर। कहाँ से? वो हम उसको गाँव के अंदर लेके गए। हाँ, उधर? हाँ सर, ले जाके हम लोग। व्हाइट शर्ट वाला कौन था तुम्हारे साथ में? व्हाइट वाला तो नहीं लिया सर, व्हाइट वाला खाली गाड़ी में बैठो बोल के बोला सर। गाड़ी में बैठो ऐसा बोल रहा था? तो पुलिस था ना? नहीं मालूम सर, सिविल ड्रेस में था सर। सिविल ड्रेस में था जी सर, बाइक लेके आया। चलना पर ते डायरेक्ट शिक्षा दे।